स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लाइन कमांड लेते हैं, जैसा कि दोस्तों एक पिक्चर में देख रहे हैं। पहले हम ऊपर वाला पोर्शन बनाएंगे, तो इसकी यहाँ से ये लेंथ है 140 और ये चौड़ाई है 20। तो दोस्तों हम यहाँ पे रेक्टेंगल लेते हैं जिसकी लेंथ है 140, फिर टैब दबा के फिर हम इसकी विड्थ चौड़ाई देंगे 20, इंटर। देखिए दोस्तों यहाँ बन के तैयार हो गया रेक्टेंगल। फिर हम लाइन कमांड लेंगे और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को जोड़ेंगे और फिर हम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को जोड़ेंगे और इंटर करेंगे। फिर हम एक मिडिल लाइन लेंगे यहाँ से मिडिल लाइन ले लिया। फिर दोस्तों यहाँ पे हम जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं इस सर्कल का जो रेडियस है 20 है, फिर हम 20 रेडियस का एक सर्कल लेंगे, हम सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और हमें 20 इंटर कर दिए। फिर दोस्तों इतना हमारा बन गया। फिर हम ट्रिम कमांड से TR इंटर, वो हमें जो जो पोर्शन नहीं चाहिए उसको हम ट्रिम कर देंगे। कमांड से बाहर आ गए, तो जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं ये हमारा ऊपर का पोर्शन बनके तैयार हो गया। दोस्तों हम डायमेंशन अभी नहीं देंगे, डायमेंशन हम लास्ट में देंगे। तो दोस्तों फिर हम यहाँ से हम लाइन कमांड लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से लेके इसके सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी जो है 80 है। फिर हम यहाँ से लाइन कमांड सेलेक्ट करेंगे और ऑर्थो ऑन करके हम यहाँ से 80 का एक लाइन ले लेंगे, इंटर कर दिया। फिर हम दोस्तों हम यहाँ पे ऑफसेट कमांड का यूज करेंगे, शॉर्टकट की इसका वो इंटर, और हम यहाँ पे डिस्टेंस दे देंगे 10, इंटर। हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया यहाँ इंटर, फिर हम दोस्तों ट्रिम कमांड से डबल इंटर से हम ये ट्रिम कर लेंगे। फिर हम कमांड से बाहर आ गए। फिर हम दोस्तों यहाँ पे जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर है 60x20 का, और फिर इसके नीचे एक रेक्टेंगुलर है 80x20 का। दोस्तों हम दो रेक्टेंगुलर बनाते हैं, यहाँ से हमने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पे 60x20 इंटर। फिर हम दोस्तों यहाँ से मूव कमांड से इसको मूव कर लेंगे, तो ऑफ कर लेते हैं कौन से इसको कर लिया। फिर दोस्तों हम एक रेक्टेंगल लेते हैं ये 80x20 रेक्टेंगल लेते हैं जो कि 80x20 का ये भी है। फिर हम इसको मूव कमांड से इसको इसको मूव कर हमने मूव कर लिया। दोस्तों इतना हमारा बन के तैयार हो गया। फिर दोस्तों हम एक और रेक्टेंगल लेंगे जिसकी लंबाई है 340 टेप 140
तो ये हमारा बन गया। फिर दोस्तों इसको मूव कमांड से इसको हम मूव करा लेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। इसको हमने मूव करा लिया। तो इतना हमारा बन के दोस्तों लाइन कमांड लेंगे हम इसके सेंटर से, यहाँ डायरेक्ट है, फिर यहाँ से एक लाइन, फिर इंटर कमांड से बाहर हो जाएंगे। फिर दोस्तों हम एक ऑफसेट लेंगे ओ इंटर, और हम 30 का ऑफसेट लेंगे इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के नीचे। फिर हम ऑफसेट से कौन से बाहर आ जाते हैं। फिर हम दोस्तों ऑफसेट देंगे ओ इंटर, फिर हम 40 का ऑफसेट देंगे इंटर, इसके सेंटर पॉइंट से ऊपर इससे नीचे। फिर हम कौन से बाहर हो जाते हैं, फिर हम ऑफसेट लेंगे ऑफसेट, फिर हम 30 का ऑफसेट लेंगे इस लाइन के रिस्पेक्ट में। बस ये हमने 20 का इस लाइन से ऑफसेट ले लिया। चाहिए हम उसे ट्रिम कर देंगे, तो ये हमारे अंदर के जो पार्ट मैंने ट्रिम कर दिया है। ट्रिम करने के बाद अब हम जाएंगे सर्कल में,